हेलो 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 अरे शुक्ला जी शुरू हो रही है। तो गए अब बताइए, मैं वहां किया, वहां ने तो उसको मजा तो उसको अपडेट में ले लिया। गए कहाँ गए अब कितने हो गए आप खुले हुए, मैं क्लोज कर लूँ। आप खुले हुए हेलो हेलो यस सर। स्टार्ट करें क्लास। सर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून सर। आज हम लोग क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से क्लास थोड़ा डिले हो गई है, तो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वेब डिजाइनिंग। ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग में हमने जो लास्ट क्लास तक पढ़ा था फीचर्स ऑफ वेब डिजाइनिंग, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल में कितने प्रकार के टैग्स होते हैं, तो एचटीएमएल लैंग्वेज में विभिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं। प्रत्येक टैग का उपयोग अलग अलग एलिमेंट्स को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। बेसिकली जो एचटीएमएल के टैग्स हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है पेयर्ड एचटीएमएल टैग, जिसे हम लोग कंटेनर टैग के नाम से जानते हैं। दूसरा है अनपेयर्ड एचटीएमएल टैग, जिसे हम लोग एम्प्टी टैग के नाम से जानते हैं। अब पेयर्ड एचटीएमएल टैग क्या होते हैं? पेयर्ड एचटीएमएल टैग ऐसे एचटीएमएल टैग होते हैं जो जोड़े अर्थात पेयर में लिखे होते हैं। एक पेयर्ड टैग के दो भाग होते हैं, पहला भाग होता है उसका ओपनिंग पार्ट और दूसरा भाग होता है क्लोजिंग पार्ट। ठीक है, देखिए किस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं कोई टैग लिखूं, सपोज दैट, जैसे मान लीजिए मैं HTML ही लिखा, ठीक है, HTML, तो जब एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज हो गया तो ये टैग हो गया, और ये पेयर में होते हैं, मतलब दो बार इनको लिखना पड़ता है, ये पेयर टैग कहलाते हैं। लेकिन बस इनको क्या करना पड़ता है, ये स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ता है, तब जाके ये पेयर माना जाता है। ठीक है, ये दोनों ये पेयर्ड हो गए, इसे हम लोग कंटेनर टैग के नाम से जानते हैं। जितने भी कंटेनर टैग होंगे वो सभी क्या होते हैं, आपके पेयर में होते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात, इनकी ये दो पार्ट में होते हैं, एक तो ये इसका स्टार्ट पार्ट कहलाता है और ये इसका
एंड पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल टैग नेम, ये HTML टैग नेम है और ये ओपनिंग टैग है और ये क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग मतलब HTML और ये क्लोजिंग टैग स्लैश HTML, ये दोनों टैग ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग पेयर टैग के नाम से जानते हैं। दूसरा टैग होता है इसमें अनपेयर्ड HTML टैग। अनपेयर्ड टैग को सिंगुलर HTML टैग भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंगल यूज होते हैं, इसलिए इन्हें सिंगुलर HTML टैग कहा जाता है। सिंगुलर टैग का कोई पेयर्ड नहीं होता, कोई जोड़ा नहीं होता है। ठीक है, और सिंगुलर टैग को HTML डॉक्यूमेंट में जो डिफाइन किया जाता है वो कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, संटेक टैग नेम और एग्जांपल ये आपका BR, मतलब ये BR यहाँ पर क्या है, एक HTML का ही टैग है लेकिन ये कौन अनपेयर्ड HTML टैग है। इन्हीं टैगों को एम्प्टी टैग भी कहा जाता है। ठीक, ये हमारे क्या कहलाते हैं, एम्प्टी टैग कहलाते हैं। तो HTML में टू टाइप्स के टैग होते हैं, पहला पेयर्ड टैग जिसे हम लोग कंटेनर टैग के नाम से भी जानते हैं, दूसरा होता है अनपेयर्ड टैग जिसे हम लोग एम्प्टी टैग के नाम से जानते हैं। पेयर्ड टैग वे टैग कहलाते हैं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग अर्थात जो पेयर में होते हैं, ऐसे टैग को हम लोग पेयर टैग के नाम से जानते हैं। पेयर का मतलब जोड़े पे होते हैं, और अनपेयर्ड टैग का मतलब जो सिंगल टैग्स होते हैं, ऐसे टैग्स को हम लोग अनपेयर्ड टैग के नाम से जानते हैं। इसमें एक ही टैग होता है, न इसकी ओपनिंग होती है न क्लोजिंग होती है, मतलब सिंगल टैग है, उसी तरह से लिख दिया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि HTML प्रोग्रामिंग का सिंटैक्स अथवा स्ट्रक्चर, HTML प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये प्रोग्राम स्ट्रक्चर भी इसको कहा जा सकता है। क्या क्या बेसिक चीजें इसके साथ यूज होती है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। तो सबसे पहले ये तो टैग, टैग नंबर एक, क्योंकि ये इसकी क्लोजिंग है तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे। ये बेसिकली ये, ठीक है। दूसरा हेड, हेड टैग क्या होता है, ये भी प्रोग्राम के मैं भी आगे बताऊंगा सब क्या है अलग अलग। तो ये इसका दूसरा टैग होता है क्योंकि ये दोनों एक पेयर पे रहते हैं, ये दोनों कंटेनर टैग। तीसरा है टाइटल, ये इसका तीसरा टैग होता है और ये भी दोनों पेयर पे, ठीक है। चौथा है आपका बॉडी, ये इसका चौथा टैग और ये दोनों पेयर पे, ठीक। अब तो ये किसी भी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर हो सकता है, देखिए मैं आपको इसको बताऊं स्ट्रक्चर कैसे यहां पे बनता है, ठीक। किसी भी प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे होगा, HTML, ठीक है, ठीक। इसके बाद HTML के बाद क्या होता है, हेड टैग आता है, तो हम सबसे पहले HTML को क्लोज करते हैं क्योंकि यहाँ पे टैग जो बनाए जाएंगे ना वो काहे बनाए जाएंगे, पेयर्ड में बनाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम हेड को क्लोज करते हैं,
ठीक। अब यहां पर एक टैग और होता है जिसको हम टाइटल कहते हैं। जो भी आप लिखना चाहें इसके अंदर लिख सकते हैं टाइटल के रूप में, ठीक है। और यहां पर इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, ये टाइटल हो गया। और आखिरी टैग होता है इसका बॉडी टैग। जो भी आप लिखना चाहें, मान लीजिए कुछ भी आपने यहाँ पे टाइप किया, ये यहां पर बॉडी क्लोज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि कल मैंने एक वर्जन आपको बताया था, इसमें एक टैग और मिलेगा शुरू में। अब जो नए प्रोग्राम बनते हैं डीओसी टाइप इक्वल एचटीएमएल एंड सो ऑन, ऐसा करके एक टैग मिलता है। ये हमको ये बताता है ये टैग कि 2014 के बाद का जो वर्जन आया है, कौन सा वर्जन है वो बता सकता है? HTML5 सर। हाँ, 5। तो 5 में ये हमें डीओसी टाइप लिख के मिलता है, डीओसी टाइप उस पर लिखा होता है, ठीक है। तो आइए देखिए बाकी चलते हैं, एक एक का डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं डीओसी टाइप ही देखूंगा। डीओसी टाइप का मतलब होता है, ये भी डॉक्यूमेंट टाइप ही है, इसका मतलब है कि ये एचटीएमएल 5 वर्जन को रिप्रेजेंट करता है। जिस प्रोग्राम में डीओसी टाइप एचटीएमएल लिखा होगा, मीन्स वो जो प्रोग्राम होगा वो कौन सा वर्जन का होगा? एचटीएमएल 5 वर्जन का होगा। फिर एचटीएमएल ये है एक प्रकार का एलिमेंट एचटीएमएल पेज का है, इसे रूट एलिमेंट भी कहते हैं, क्योंकि बिना इसके हम किसी भी प्रोग्राम की परिकल्पना नहीं कर सकते। सबसे पहला टैग बेसिक टैग है जिसे हमें यूज करना ही पड़ेगा। दूसरा हेड, यह भी एक प्रकार का एलिमेंट टैग ही होता है जो कि डॉक्यूमेंट से मेटा इंफॉर्मेशन को कंटेंट करता है। मेटा इंफॉर्मेशन कैसी होती है जरा बताऊं मैं आपको। इसके अंदर जैसे CSS कैस्केड स्टाइल की अथवा जावास्क्रिप्ट जैसे किसी भी दूसरे पेज को जब लिंक करना होगा तो यही एक जगह है हेड सेक्शन जहां पर हम उसको ऐड करेंगे। इसके अलावा किसी और सेक्शन पे दूसरी फाइलों को ऐड नहीं किया जा सकता। तीसरा चौथा है इसमें टाइटल। इस एलिमेंट के अंदर वेब पेज का टाइटल लिखा जाता है। जब हम ब्राउजर को रन करते हैं तो ब्राउजर का जो टैब होता है, यदि हमने टाइटल सेट कर रखा है तो उस टाइटल का नाम उस ब्राउजर में डिस्प्ले होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बॉडी। इस टैग के अंदर वेब पेज पर डिस्प्ले होने वाले सभी टेक्स्ट अथवा इमेजेस को ऐड किया जाता है। जैसे तुम्हें तुम कोई भी मैसेज प्रिंट करने के लिए क्या यूज करते थे? प्रिंटएफ सर। प्रिंटएफ। तो उसी तरह से जब तुम पीएचपी में HTML में जब इसको यूज करोगे तो चूंकि यहाँ पे ऐसा कोई मैसेज प्रिंट करने का नहीं, लेकिन उसको बॉडी सेक्शन के अंतर्गत रखोगे। यदि बॉडी सेक्शन के बाहर जहां से ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी बॉडी की, इस टैग के अंदर जो लिखोगे वही ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। यदि आप बाहर लिखेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। क्लियर? बस समझ में आ गई सर। ठीक, अब ये चलते हैं। अब एक हम इसका कोड एक आगे प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा। तो सबसे पहले HTML कोड को लिखने के लिए हमें जो रिकमेंडेड है बिगनर के लिए, क्योंकि वी आर द बिगनर, हम सब सीख रहे हैं, ठीक है, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो हमें हमारे लिए हमको क्या हो सकता है, सिंपल टेक्स्ट एडिटर क्या है जो सुटेबल है बिगनर के लिए, वो है नोटपैड। क्या है? नोटपैड, जिसे हम जैसे ही सिस्टम में विंडोज डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट नोटपैड हमको मिल जाता है। तो नोटपैड कैसे ओपन द नोटपैड, विंडोज का नोटपैड, ये देखिए ये नोटपैड है। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए
आपको पता है कैसे नोटपैड को ओपन करते हैं? देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, टाइप हियर टू सर्च, यहां पर मैं क्या टाइप कर देता हूं, नोट पैड, ठीक है, और इस नोट पैड पर क्लिक कर देता हूं। जैसे नोट पैड पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने नोट पैड आ जाता है। दिख गया ना आप लोगों को नोट पैड? दिख रहा है नोट पैड? नो सर। अब दिख रहा है? दिख गया जी जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है आगे चल के, नोट पैड के बाद हमें क्या करना है, नोट पैड हमारे सामने आ गया, अब हमें क्या करना है, राइट कोड इन द एचटीएमएल, एचटीएमएल का कोई भी कोड हमें इसके ऊपर राइट करना है। तो देखिए, चलिए मैं राइट करता हूं, अब राइट करना है हमें कोड, तो कोड राइट करने के लिए हमें नोट पैड ओपन करना पड़ेगा। ये नोट पैड मैंने ओपन किया, इसमें मैंने कोड लिखा, तो सबसे पहले लिखूंगा एचटीएमएल, क्योंकि पहला वो है इसका टैग, और देन एचटीएमएल क्लोजिंग, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैं लिखूंगा हेड सेक्शन, हेड, और हेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को टाइटल लिखना है, तो टाइटल, अब यहां पर लिखूंगा माय फर्स्ट वेब पेज, सॉरी, माय फर्स्ट वेब पेज टाइटल क्लोज, ठीक है, टाइटल को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं कहां चलने वाला हूं, मुझे चलना है बॉडी सेक्शन पे, ठीक है, तो बॉडी, अब बॉडी के अंदर मुझे जो भी मैसेज प्रिंट कराना है, मान लीजिए वेलकम टू वेब डिजाइनिंग डिजाइनिंग क्लास, ये मैसेज मेरे को प्रिंट कराना है, ठीक है। मैं इसे विश्वास लिखूंगा और यहां पर बॉडी को क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ओके, बात समझ में आ गई इतना? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलूं। ये कोड जो लिखा है यहां पर, किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर, कांति नहीं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब आगे हमें जो बताएगा वो हम करेंगे। तो कोड लिख गया, अब कह रहा है सेव द एचटीएमएल फाइल विद द डॉट एचटीएमएल अथवा डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल को हमारे सेव करना है। जब तक हम सेव नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो सेव कोई भी फाइल नेम मैं दे दूंगा, ठीक है, एक मान लीजिए मैंने फोल्डर बना लिया, यहां पर कोई भी फोल्डर बना लो। अब यहां पर मान लीजिए वेब डिजाइन नाम का फोल्डर हमने बना लिया, वेब डिजाइन। सर आपकी विंडो नहीं देख रहे? सर आपकी विंडो रुक गई है, दिख नहीं रहा जो आपसे कर रहे हैं। क्या चीज सर? विंडो नहीं मूव हो रही, मतलब कि ऐसे ही शो कर रहा है केवल एचटीएमएल, आपका पावर पॉइंट खुला है अभी। क्या हो रहा है सर? आप जो कर रहे हैं वो दिख नहीं रहा, केवल आपका पावर पॉइंट शीट दिख रही है सर। अभी दिख रहा है? नो सर, अभी भी नहीं दिख रहा। नो सर, वो लगता है सर अटक गया है अभी।
अब नो सर, एक लोग और ऐड है, उससे पूछिए, उसको दिख रहा है। अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैं डी ड्राइव के अंदर जाके एक वेब डिजाइन करके एक फोल्डर बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फोल्डर बनाना मेरे को, न्यू फोल्डर वेब, जरूरी नहीं कि मैंने वेब डिजाइन नाम की बनाया तो तुम भी बनाओ, तुम्हें जो भी बनाना हो अपने हिसाब से बना लेना। ठीक है, वेब डिजाइन नाम का एक फोल्डर बनाया। अब मेरे को क्या करना है, इसको सेव करना है। अब मेरे को इस प्रोग्राम को सेव करना है, तो अभी कौन सी स्क्रीन दिख रही है तुमको? डी ड्राइव सर, अब दिख रही है सर, नोट पैड। सेव एज, ठीक है, डी ड्राइव में गया, वेब डिजाइन, और यहां पर मान लीजिए मैंने फर्स्ट डॉट HTM अथवा HTML जो भी मैं देना चाहूँ वो दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट डॉट HTML दे दिया और यहाँ पर सेव कर दिया। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब कह रहा है ओपन द HTML पेज इन योर वेब ब्राउजर, अपने पेज के में राइट क्लिक करके ओपन विथ जो भी ब्राउजर है उस ब्राउजर के ऊपर आप उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए कैसे। अभी दिख रही है आपका पेज, दिख रहा होगा फर्स्ट डॉट, फर्स्ट दिख रहा है, दिख रहा है? हेलो आयुष, यस सर, दिख रहा है ना? यस सर। ओके, देखो ये राइट क्लिक किया, ठीक है, ओपन विथ में गए, अब तुम्हें गूगल क्रोम में इसको रन करना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर में रन करना, माइक्रोसॉफ्ट एज में, तो मैं मान लो गूगल क्रोम में ये क्लिक कर दिया, ये तुम्हें दिख रहा है वेलकम टू वेब डिजाइनिंग क्लास? यस सर, दिख रही है ना? ठीक है, इस तरह से हम पहला प्रोग्राम एक छोटा सा एचटीएमएल के ऊपर देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफी है, कुछ अगर पूछना हो तो मेरे को बताइए, और नहीं तो नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। कुछ पूछना है विष्णु? विष्णु नहीं सर। ओके, ठीक है, तो इसको बेटा करिएगा और इसका प्रिंट आउट ग्रुप में डालिएगा, वो क्या बोलते हैं इसका जो आउटपुट है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।